ने आप तक पहुंचाने में असाड कंवर ते जावो लग तो ही गाजो सावणी भाद वो। असाड कंवर ते जावो गाजो गाजो जे असाड कंवर ते जावो लग तो ही गाजो सावणी भावो। अरे सूतो किशोरी नींद कंवर ते जावो सूतो किशोरी नींद कंवर ते जावो हरोड़ा साही ना बीजे बोलो माता चरणी वो हरोड़ा साही ना खेले गोदले कद का उबाहाड़ी हड़ खड़े हैं ते जावो कद का उबाहाड़ी हड़ खड़े हैं ते जावो नैना नैना टावर खेले गोदले। माँ तेजा जी महाराज सो कैसी अपेक्षा कर रही है, मैं निवेदन करूं एक माँ अपने बेटे सो अपने बेटे रे प्रति कितनो प्रेम है। मैं आगे जो पंक्ति प्रस्तुत करियो भी मैं आप सभी लोग ध्यान दोए तेजा जी री माँ तेजा जी ने कहने लगी बोले तेजा अरे हाली रे बायोड़ा हाली रे बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा वो हाली रे बायोड़ा मुंग मोत निपजे ते जावो हरोड़ा बाजोड़ा मोती नीपजे हरो तायरे सामने हरोड़ा बाजोड़ा मोती नीपजे कठे तो पड़ी है मारी राशा माता जरनी वो कठे तो पड़ियो है बाजू बीजो टंगी है राशा सार ले क्या में टंगी है राशा सार ले तेजा जी महाराज अपनी मारी आज्ञा ने मानते हुए तड़पी उठियो तड़के उठियो भोर हलियोली नो आटा वाड़ो पेट पोतियो के जो चालो देखे सारे अरे दीवानी मना चालिया कंवर ते जावो
मारी वो बेल्या मारा उभा उभा है बाबज मारी वो कठे तो लगाई तेरी दे बाबी तेजो जी महाराज दिन सुपरी रो गए हो बाबी भातों लेर नहीं आए तेजो जी महाराज ने बड़ी भूख लागी इतनी देर कर दी बाबी थोड़ी देरी कर दी देरी सु आई तेजा जी महाराज ने बड़ी रीस आई तेजा जी बोले कि बाबी थारो दिमाग खराब हो गयो है पेट बढ़ गयो पसलियों में मरा बढ़ दिया भूखा उबा है और तू अब नीरो और बातों ले रही है थोड़ो घोड़ो ध्यान रखा कर तेजा जी ने भोजाई तेजा जी ने जवाब दियो बोले हे देवर अरे मन पीसो ओ मन पीसो मन पोयो कंवर ते जावो मन पीसो मन पोयो कंवर ते जावो मन को तो रांधो खाटो खींचो मन को तो रांधो खाटो खींचो तोड़ी आई लार की लार लोड़ा दे बरो तोड़ी आई लार की लार लोड़ा दे बरो ने छोड़ाई ही मेरो अपनी भोजाई अपनी बाबी ने कहू कि थारो बातों पाछो ले जा तेजा री जरूरत नहीं तेजा ने जरूरत नहीं है तेजा जी री भोजाई ने भी बड़ी रीस आया वो बोले कि तुम्हारे माते हुक्म मत चला मैं लुगाई हूं तो थारे बाई रही हूं तू मारे माते हुक्म मत चला थने हुक्म चलाने रो अधिकार नहीं है हुक्म चलावे तो थारो भाई चलासी थने बोलने की जरूरत नहीं है और ऐसो हुक्म चलावे तो थारी खुदरी लुगाई ने क्यों नहीं ले राजा बोले अरे माँ पर क्यों करो माँ पर क्यों करो भीस लोड़ा देवर वो माँ पर क्यों करो भीस लोड़ा देवर वो लावनी परनी ने बैठी बाप के लावनी परनी ने बैठी बाप के समय बर्दिया ने खेता में छोड़ दुपहरी का समय घर आ गया तेजा जी की मां पूछ लियो कि बेटा तेजा तू आज जल्दी कहीं आयो देखो कि घर आयो कहीं हो थारो बीज निज गयो कोई थारे कोई और कोई मुसीबत होगी तू आज जल्दी की घर आयो तेजो जी महाराज अपनी मां ने कहने लगा बोले हे मां भाव जी मोसो बोलियो भाव जी मोसो बोलियो लागा काल जे परणी बेटी बा
कर लावे क्यों नहीं जा। बोले हे मां, अरे कथे मारी, अरे केणी मारी करी सगाई माता चरणी वो, केणी मारी करी सगाई माता चरणी वो, किण तो परनायो कीड़ा पोतड़ा। हरो बेटी पे मनसू करियो ब्यावलो, हरो बेटी पे मनसू करियो ब्यावलो, हरो बेटी पे मनसू करियो ब्यावलो, हरो बेटी पे मनसू करियो ब्यावलो। अच्छा भजन है, आपसे आपके मेवाड़ से चला और पूरे राजस्थान ने सुन लिया, मुझे बड़ा प्रिय है। और जिनकी लेखनी को हमारे जगदीश जी ने गाया, भाई साहब मोइनुद्दीन जी मंचला साहब ने गाया, राजस्थान के विभिन्न कलाकार और मेवाड़ के तो सब कलाकारों ने गाया, परमादरणीय भैरव शंकर जी शर्मा की ये बड़ी अमर पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे बड़ा प्रिय है इसलिए आप सुनिएगा। धन्यवाद। हरे कंचन वाली काया जी, सेलानी दिन पावना, एक दिन जावाला, अरे पाछा को नियावाला। कंचन वाली काया ओ सेलानी दिन पावड़ा, कंचन वाली काया ओ, कंचन वाली काया ओ सेलानी दिन पावड़ा, एक दिन जावाला पाछा को नियावाला, एक दिन जावाला पाछा को नियावाला। अरे बोलो बोलो इमारतियो बणी इण मुखड़ा सो, बोलो बोलो इमारतियो बणी इण मुखड़ा सो, फूला वाली परिमली छो अमर पद पावाला,
फुलावाली परमल छो अमर पद पावाला कंचन वाली काया दे से लानी देनी पावड़ा ओ कंचन वाली काया कंचन वाली काया से लानी देनी पावड़ा एक दिन जावाला रे पाछा कोनी एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला लेनो वे तो ले लो रे लावो इनी हाथ सो ओ लेनो वे तो ले लेनो वे तो ले लो रे लावो इन हाथा सो कर लो भलाई वालों का जगत जस पावा कर लो भलाई वालों का जगत जसी पावा कंचन वाली काया दे से लानी देनी पावना कंचन वाली काया दे से लानी देनी पावना एक दिन जावाला पाछा कोनी आवा एक दिन जावाला पाछा कोनी अरे मिलनो वे तो मिल लो रे जगत का मिन खासो अरे मिलनो वे तो मिल लो रे जगत का मिन खासो मिलनो वे तो मिल लो रे जगत का मिन खासो मेलो ओ बिछड़ियो जा पछे पछतावाला मेलो बिछड़ियो जा पछे पछतावाला और अंत में गाना वे तो गालो रे गुरुजी वाला गीत टला गुरुजी वाला गीत टला गुरुजी वाला गीत टला जी
भैरव भजी मनीरा अमर पदी पावा भैरव भजी मनीरा अमर होई जावाला कंचन वाली काया रे सेलानी दिनी पावड़ा कंचन वाली काया रे कंचन वाली काया ओ सेलानी दिनी पा एक दिन जावाला रे पाछा खोनिया वाला एक दिन जावाला 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 पाछा कोनिया एक दिन जावाला पाछा कोनिया एक दिन जावाला पाछा कोनिया वाला ओ अरे गेरी गेरी बिरखा भाया ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाया उठी पाछा कहीं जाओ ओ मन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कवरे अजी मारा रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कई बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा
बांजिया कही जो भारा सुगन खराब घना हो या जियो सुगन खराब घना हो या जियो खम्मा 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 रे को बड़ी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरे अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपुजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं। अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई। किसान आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया। अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे अरे बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरी अजमा रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरी अजमा। अब देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसू री लड़ी बेवे अपनी रानी मैना दे ने कहने लगा बोला रानी इनसु चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैनादेव जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मन री इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरिया री आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश रे मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाऊं आर अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले इकटा बदले
दुनिया माने मोसा बोले किटा बद दे कारने दुनिया माने मोसा बोले किटा बद दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाऊं बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखे हो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर पुजारी जी दाड़ता दौड़ता भागता भागता है बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार करो ना दर्शन करीवाने आयो जियो दर्शन करीवाने आयो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार बुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़िया आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुने तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान हो कहीं बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब
श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल, उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदू करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदरे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदरे